गाइस, आज कमर्शियल स्ट्रीट में हम घूम रहे हैं। हेमंत जी अपनी क्लास चले गए हैं और मैं मेरे को यहाँ छोड़ गए कि तुम शॉपिंग करो, एंजॉय करो, क्योंकि इनको मेरे साथ शॉपिंग करना पसंद नहीं है। तो यहाँ बहुत कुछ है, बट पता है जब ज़्यादा चीज़ें होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो आपको ऐसे ही क्लिप्स अभी बस मैं जा रही हूँ। मैंने थोड़ा मम्मी को नई ड्रेस चाहिए थी, तो मम्मी ने जब मम्मी को पता लगा कि मैं यहाँ आ रही हूँ तो मम्मी ने मुझे कहा कि नई टीज वहाँ अच्छी मिल जाती है कॉटन की, तो वो ले आना। तो मैं वही ली है और अनुराग के लिए कुछ शर्ट वगैरह ली है। देखते हैं अगर दिवाली की हमारे लिए कोई कपड़े मिले अच्छे तो शॉपिंग कर लेंगे। सोच रही हूँ कि अभी हेमंत जी का वेट कर लेते हैं ताकि उनके साथ ही शॉपिंग करेंगे, क्या पसंद आता है क्या नहीं, क्योंकि अकेले कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, क्या लूँ क्या नहीं लूँ। देखते हैं, मुझे कुछ दिवाली के लिए लेना था, लेट्स सी कुछ अच्छा सा इंडियन वेयर मिल जाए। तो बाकी यहाँ तो ऐसा लगता है शॉपिंग ही करते रहो पूरे दिन, इतनी सारी मतलब वैरायटी है यहाँ पे कपड़ों की, स्पेशली लेडीज़ की। तो अगर आप बैंगलोर में आए तो कमर्शियल स्ट्रीट ज़रूर आए। तो मिलते हैं हेमंत जी का वेट करके। गाइस, हेमंत जी आ गए अपनी क्लास ख़त्म करके एंड हम सबसे पहले आए थे कुछ जूस के लिए, बहुत भूख लगी थी एंड उसके बाद कराएंगे हेमंत जी मेरे को दिवाली शॉपिंग। लुट गए, कोई नहीं कोई नहीं। तो एक बार ही आते साल 6 महीने जूस पी के फिर हम आपको लेके चलेंगे आज और दिखाएंगे हम क्या क्या लेते हैं, अगर कुछ पसंद आता है तो, नहीं तो फिर ऐसे ही खा पी के घर जाएंगे। बस बड़ी जल्दी ले लो। चलो हम मौसमी जूस इंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हम हैं कमर्शियल स्ट्रीट में, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सजाया हुआ है, देख सकते हैं आप। पूरी गली लाइट से, क्योंकि दिवाली वाला माहौल है, बहुत अच्छा सजाया है। मेरी शॉपिंग नहीं हुई अभी तक, इनकी शॉपिंग नहीं हुई, इनको बहुत दुख हो रहा है। एक दुकान में गए थे तो वहाँ पे इन्होंने सारे कपड़े खुलवा लिए उनके, बट एक भी पसंद नहीं आया, तो अभी ये थोड़े से डिसअपॉइंटेड है। क्योंकि हम जेंट्स लोग का क्या है, कहीं भी चले जाते हैं एक कुर्ता एक पजामा बस वो मिल जाए, मेरे जैसे के लिए तो कुर्ता पजामा ही बेस्ट है। एक ही दुकान पर मुझे मिल गया पहली बार जाते ही, इनके लिए अभी घूमना पड़ेगा मेरे को। ये इनको मैंने छोड़ा इनको मैंने 4 बजे छोड़ा यहाँ पे, तो अभी बज रहे हैं, तो मैं जब से अभी 7 बज रहे हैं, बच्चे के लिए पहले रहे हैं। हाँ, मैंने अनुराग के लिए पहले लिए। इनकी शॉपिंग नहीं हो सकती, हमारे हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो कमर्शियल स्ट्रीट में घूम घूम के मैं तो बहुत थक गया, चांदनी जी ने बहुत थका दिया मेरे को, और हम जेंट्स क्योंकि ये रेगुलरली एक्सरसाइज तो करते नहीं है, कभी कभार इतना चलना हो तो थक जाते हैं, तो ये इनकी प्रॉब्लम है।
बट जेंट्स लोग का ये अच्छा होता है कि किसी एक दुकान में जाएं और जो उनको पसंद आता है वो ले लेते हैं। तुम्हारे में वैरायटी नहीं होती ना। क्योंकि मैं एक दुकान में घुसा, मैंने ले लिया फटाफट, विद इन 10 मिनट्स में मैंने अपने ड्रेस ले लिए। आधा घंटा, और जो तुमने 3 घंटे यहाँ पे ट्रैवल करवाया वो बकवास तुम्हारा। ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ। नहीं ले रही, शुक्र है भगवान का। सुन ली भगवान तो ने मेरी। तो अभी भी हम घूम रहे हैं, इनका एक और गली देख ले, मैं कहीं ये भी देख लेते, कोई बात नहीं, आज सारी गलियाँ देखेंगे कमर्शियल स्ट्रीट की, देखते हैं इनको कुछ पसंद आता है कि नहीं। बेचारे दुकान वाले भी बोलेंगे कौन आ गया आज हमारे घर, हमारे दुकान पे कौन आ गया। ये बहन जी कपड़े खुलवा के रख देती है, लेती एक भी नहीं। तो इस दुकान पे भी इनको कुछ समझ में नहीं आया। तो गैस अगर आप कमर्शियल स्ट्रीट आ रहे हो तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी बहुत फेमस है, जैसे कि पाव भाजी, डोसा, तो यहाँ पे बहुत फेमस है। यहाँ दिखाते हैं आप। पिज़्ज़ा की तरह कट कर रहे हैं। पनीर पिज़्ज़ा, ये बन गया हमारा पनीर पिज़्ज़ा रेडी। चलो अभी खाते हैं। ओ भाई साहब, दिखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है ये, है ना? क्या लाइट कम है थोड़ी सी। डोसा पिज़्ज़ा गाइस, ये देखिए फ्लैश लाइट में देखिए। हाँ, ये देखो भाई साहब स्लाइस देखो। हाँ, इसको डोसे की तरह ही खाना है, वैसे नाम पिज़्ज़ा है। खाओ।